दोस्तों आपने मिसल तो बहुत टाइप के खाए होंगे, पर आज हम ट्राई करने वाले हैं चीज फ्राई शेजवान मिसल, बराबर ना। तो इसकी मेकिंग शुरू करते हैं। ये ऑयल आ गया इसके ऊपर और काफी यूनिक रहता है यहाँ का मिसल और ये ऑथेंटिक मिलता है मुंबई स्टाइल का अहमदाबाद में। तो ये अंदर ओनियन आ गया है, आप देख सकते हैं कि पूरा ऑनियन और इनका तड़का बहुत फेमस रहता है, वो बहुत ही वेजीज से भरपूर रहता है। ये टोमेटो आ गया, टोमेटो आ गया इसमें। तो बहुत ही यूनिक रहता है क्योंकि चीज भी है, सेजवान भी है। ये क्या है भैया? ये मैक्सिकन चटनी आ गई इसके अंदर। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है ये। और अभी आप फायर का इंतजार कीजिए, वो तो बहुत ही यूनिक है, फायर होगा पूरा। ये गार्लिक चटनी है, तो बहुत ही स्पाइसी रहने वाला है। अगर आपको स्पाइसी फूड पसंद है, और ये देखिए पूरा फायर फायर हो रहा है, देख सकते हो कि पूरी ग्रेवी को भैया फायर कर रहे हैं। ये शेजवान चटनी है और ये पूरा रसा आ गया। अब देख सकते हैं कि पूरा फायर हो रहा है और काफी काफी शानदार लग रहा है ये फायर। तो ऐसा यूनिक आपने शायद ही कभी खाया होगा। और ये अंदर बीन्स आ गया है, मठ है और वटाना है इसके अंदर। और ये फरसान आ गया, चवान आ गया इसके अंदर। और ये और मिसल का रसा है, और ये मिसल का रसा भैया ने ऐड कर दिया है। और ये फिर से भैया फायर कर रहे, तो ये पूरा फायर मिसल बोल सकते हो आप, चीज शेजवान के साथ। तो काफी यूनिक डिश है भैया की। तो कितने लोग भैया रोज यहाँ पे मिसल खाते हो? लाइन लगती है यहाँ पे मिसल की, तो बहुत देख ही सकते हो कि अहमदाबाद में बहुत ही फेमस है इनका मिसल पाव। और इसमें से ये एक बहुत ही बेहतरीन यूनिक डिश है। और ये लेमन आ गया जो आपको टेस्ट को एनहांस करेगा। अब देखिए हमारी ग्रेवी तकरीबन रेडी है, ये धनिया ऊपर से। रेडी, तो हमारा चीज शेजवान रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा रेड दिख रहा है ये ग्रेवी, और साथ में पाव और मर्चा आ गया है इसके साथ। अभी इसकी टॉपिंग होगी, अब मेन है इसकी टॉपिंग। देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन काफी यूनिक लग रहा है। तो टॉपिंग में आ गया है, ऊपर फरसान आ गया है जो काफी क्रिस्पी लगेगा, और साथ में आ गया है ये कच्चा प्याज ऑनियन जो हर मिसल पाव की जान रहता है, और साथ में ये आ गया है टोमेटो आ गया है। तो भाई आप कितने साल से बनाते हो? 12 साल हो गया। 12 साल से आप मिसल पाव बनाते हो, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन भैया ने सोचा। बारिश से लेके अभी ये दुकान तक। अच्छा, तो बहुत ही लंबा सफर रहा है, बहुत ही मेहनत किया भैया ने। और ये ऊपर फाइनल चीज आइटम आ गया। अहमदाबाद में अगर आप कहीं भी आओ तो हर जगह आपको चीज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो रेडी है भैया? तो चीज शेजवान फ्राई मिसल हमारा रेडी हो चुका है, तो जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं। हमारा मिसल रेडी है टेस्ट करने को। तो पहले आप देख सकते हो कि पूरा ऊपर चीज का लेयर है, नमकीन है, तो जल्दी से ट्राई कर लेते हैं पाव के साथ। तो जल्दी से ट्राई कर ले, गरम गरम है। बोल लाजवाब लग रहा है। अगर आप स्पाइसी फूड के शौकीन हो तो ये जगह जरूर आए और ट्राई कीजिए यहाँ का फ्राई शेजवान चीज मिसल।
तो अहमदाबाद में ये बहुत फेमस जगह है मिसल पाव और वड़ा पाव के लिए, तो आइए इनके ओनर से बात कर लेते हैं। नाम क्या है? निसर्ग। निसर्ग, और आप कितने टाइम से ये शॉप चलाते हैं? 3 साल से। 3 साल से। और अहमदाबाद में कितना पसंद करते हैं लोग मिसल पाव? अहमदाबाद में आप जैसे भीड़ देख रहे हो उतना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। अब टाइमिंग क्या रहता है यहाँ? टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। 9 से 9, और हफ्ते में 7 दिन चालू रहते हैं। और आपको क्या कहना चाहेंगे अपने मुंबई लवर को यहाँ अहमदाबाद में? जो भी मुंबई लवर है, जो मुंबई का महाराष्ट्रीयन टेस्ट पसंद करते हैं, उसको मैं यही बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक बार आके आप टेस्ट करो, गारंटी मेरी है, आपको पक्का पसंद आएगा। तो आइए एमएमवी में और टेस्ट कीजिएगा ऑथेंटिक मिसल पाव और वड़ा पाव। थैंक यू।